ये तस्वीरें हैं यूपी के अंबेडकर नगर की। अब यहाँ भी माफिया पर सीएम योगी का बुलडोजर चलने लगा है। यही वो तस्वीरें हैं जो इलाके से आतंक के खौफ को खत्म कर रही हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो इलाके के लोगों को माफिया के आतंक से आजादी का एहसास करा रही हैं। संपत्ति जब्त करने के बाद अब माफिया खान मुबारक की अवैध संपत्ति और उसके करीबियों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। खान मुबारक के हंसवर बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स और उसके साथ ही प्रवेश के घर को प्रशासन ने मंगलवार को ढहवा दिया। इसकी वजह से अब इलाके से माफिया का डर खत्म होने लगा है। एक समय में माफिया खान मुबारक जिले से लेकर प्रदेश भर में आतंक का पर्याय बना हुआ था। खान ने लूट, हत्या व अपहरण के जरिए कई करोड़ की संपत्ति जुटा ली थी। खान मुबारक ने हंसवर और अलीगंज थाना इलाकों में कई जगहों पर जमीन कब्जा करके उस पर मार्केट और मकान बनवाए थे। प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान में मंगलवार को एसपी आलोक प्रियदर्शी आधा दर्जन पुलिस फोर्स के साथ हंसवर बाजार पहुंचे और खान मुबारक के 20 कमरों के कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करा दिया। खान मुबारक माफिया के खिलाफ जो है आज कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? ये उनकी अवैध संपत्ति जो उन्होंने अपराध कर कमाई थी, ये उससे उन्होंने वहाँ हजर के मार्केट में 20 दुकानें बना रखी थी, ये जो कुर्सी का जमीन थी उसमें, ये तो उनकी आज भौतिकाल की कार्रवाई की गई है। जिनकी जो बाजारी में जो लागत होगी करीब 1.40 करोड़ के आसपास। उसका जो शराब साक्षी है परवेश, जिसको 1 लाख रुपए का इनाम था, और उसकी बसों जिसको 50,000 रुपए का इनाम, जो फरार है, उसकी कुर्सी प्राप्ति कोशिश रखी। इसके साथ अलीगंज के मखदूम नगर स्थित मुबारक के करीबी परवेज का भी मकान पुलिस ने ढहा दिया। एसपी ने बताया कि माफिया मुबारक हरदोई जेल में बंद है, इसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि खान मुबारक गैंग के सदस्य अपराधी परवेज और रुबीना पर इनाम घोषित किया गया है। परवेज पर 1 लाख और रुबीना पर 50,000 का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही इनकी करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।